सियासी नूरा कुश्ती के बाद आखिरकार यूपी में बीजेपी सरकार रिपीट हो गई। सुल्तानपुर जिले में इस वक्त भगवा लहरा रहा है। प्रत्याशियों की जीत की घोषणा के साथ समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाते हुए नाचना गाना शुरू कर दिया। सभी ने एक दूसरे को भगवा रंग लगाकर मुबारकबाद दी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। चलिए अब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर कौन कैसे जीता। सबसे पहले हम बात करते हैं सुल्तानपुर नगर सीट की। यहां विनोद सिंह ने जीत के झंडे गाड़ दिए। यहां से सपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक अनूप संडा भी खड़े थे, लेकिन बीजेपी के सामने उनकी एक न चली और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। दूसरे नंबर पर आती है जयसिंहपुर सदर सीट, जहां से बीजेपी प्रत्याशी राजबाबू उपाध्याय ने जीत का परचम लहरा दिया और इसी के साथ उन्होंने बता दिया कि उनके सामने कोई नहीं टिकेगा। तीसरे नंबर पर है लंबुआ सीट। इस सीट पर सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे का होल्ड माना जा रहा था, बावजूद इसके बीजेपी प्रत्याशी सीताराम वर्मा ने यहां भगवा लहराया। काबिले गौर है कि सीताराम वर्मा जयसिंहपुर सीट के विधायक भी रह चुके हैं, जिन्हें लंबुआ सीट पर शिफ्ट किया गया था और यहां भी उन्होंने कमाल दिखाते हुए कमल खिला दिया। इसी के साथ अगर कादीपुर सुरक्षित सीट की बात करें तो यहां भाजपा के राजेश गौतम ने दूसरी बार अपने नाम के झंडे गाड़े हैं। अब नंबर आता है इसौली का। इसौली में पिछली दो बार की तरह इस बार भी सपा का कब्जा है। यहां से सपा प्रत्याशी ताहिर खान ने जीत का परचम लहराया है। खैर, यूपी में बीजेपी ने बहुमत हासिल की है और अब देखना ये होगा कि यूपी में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इसौली में क्या विकास होता है। यह खबर हमारे संवाददाता नफीस खान और अफजल खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।